हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन पर आप सभी का स्वागत है। आज है 11 अगस्त 2021, तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO जानते हैं आप इसे। यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने वर्चुअली अटेंड किया है जी 8वीं मीटिंग ऑफ मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। साथ में प्रोफेसर SP सिंह बघेल हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं लॉ एंड जस्टिस के। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो तजाकिस्तान द्वारा होस्ट किया जा रहा है। वहाँ के जो जस्टिस मिनिस्टर हैं MK आयुष्वान, वो इसके चेयरमैन हैं। बात शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की आ रही है, तो इससे पहले इसको शंघाई 5 ग्रुप बोलते थे और 26 अप्रैल 1996 को शंघाई 5 बना था। 2001 में इसको SCO नाम दे दिया गया और बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है जी। 8 मेंबर स्टेट हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इसके चाइनीज और रशियन है। व्लादिमीर नोरोव इसके जनरल सेक्रेटरी हैं जी। इंडिया और पाकिस्तान, पहले 6 हुआ करता था इसका मेंबर, 2017 से इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर हैं। ये 8 देश हैं जी, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 6 इसके डायलॉग पार्टनर हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कम्बोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। अगला आर्टिकल है बंधन एनुअल अवार्ड 2020-2021 से जी। नागालैंड ने 7 नेशनल अवार्ड जीते हैं ऑन द फर्स्ट बंधन एनुअल अवार्ड 2020-21 ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ द 34th फाउंडेशन डे ऑफ द ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैंने बताया भी था ट्राइफेड जब मनाया जा रहा था, और इस अवार्ड को प्रेजेंट किए यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा को जानते हैं। वो झारखंड के CM भी रह चुके हैं, वो भी 3 बार, ठीक है ना। अब बात नागालैंड की आई है, तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, लेकिन वहाँ के सबसे बड़ा जो सिटी है वो दीमापुर है जी। तो आपको याद होना चाहिए दीमापुर नागालैंड में पड़ता है। 1 दिसंबर 1963 को ये राज्य बना था। 12 जिले यहाँ हैं। RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं, नेफ्यू रियो यहाँ के CM हैं जी। लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीट, राज्यसभा और लोकसभा में 1 सीट है जी। नौटंकी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने अनाउंस किया है स्कीम ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेनिशमेंट ऑफ ATM के लिए, कि अगर ATM आउट ऑफ कैश होता है तो उसके लिए ATM को या बैंक को फाइन देना पड़ेगा। क्वांटम ऑफ पेनल्टी क्या होगा? अगर कैश आउट एट एनी ATM ऑफ मोर देन 10 आवर्स इन अ मंथ विल अट्रैक्ट अ फ्लैट पेनल्टी ऑफ 10,000 per ATM, ठीक है ना। जितने ATM है उस हिसाब से 10,000 per ATM फाइन लगाया जाएगा। बात RBI की आई है, तो RBI का हेडक्वार्टर आप जानते हैं मुंबई में है, लेकिन इसका एस्टेब्लिशमेंट कलकत्ता में हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। ऑनरशिप इसके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मतलब देख रेख वही करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गवर्नर 25th बने हैं शक्तिकांत दास, ये एक IAS ऑफिसर हैं जी। करेंसी इंडियन रूपी और ये सिंबल 2008 से चल रहा है, DUDAY KUMAR ने दिया था। पब्लिक अवेयरनेस कम्पेन RBI से रिलेटेड एक और न्यूज है। RBI ने स्टार्ट किया है पब्लिक अवेयरनेस कम्पेन टू वार्न पीपल अगेंस्ट डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड, ठीक है। जैसे आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि OTP आएगा कि आपके अकाउंट में इतना क्रेडिट हो गया, आप इस पर क्लिक करें। और इस अभियान के लिए इन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को रोप्ड किया है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेज किया है, मतलब लिमिट इनको बढ़ाया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो लोन लेते थे, तो कोलेटरल फ्री लोन के लिए पहले 10 लाख रुपया तक कोलेटरल फ्री लोन हुआ करता था, अब 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। अंतर्गत किसके? DAY यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM यानी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है। और इसके बारे में आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन बाय रिस्ट्रक्चरिंग स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना, और ये अब कन्वर्ट हो गया है जी, उसका नाम बदल गया है, NRLM को DAY NRLM कर दिया गया मार्च 19, 2016 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ठीक है। इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इन द कंट्री, और ये स्टार्ट होगा 20 अक्टूबर से, इसी साल 20 अक्टूबर से पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम
होस्ट किया जाएगा जी इंडिया में। इसके लिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द चेयरमैन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 सब मिल करके करेंगे जी। अगला आर्टिकल है वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। तो इंडिया ने इसमें रैंक हासिल किया है 122वां, नॉट वेरी वेल, आउट ऑफ 181 कंट्रीज़। ठीक है, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स एक्चुअली एक लंदन वेस कॉमनवेल्थ सेक्रेटरिएट के द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर इसमें टॉप किया है जी, नाइजर इसमें लास्ट किया है। ठीक है, अफ्रीकी कंट्री है। नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है 11,000 करोड़ रुपया फॉर नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, ताकि हम इसमें सेल्फ सफिशियंट हो सके। जैसे इंडिया अब तक राइस में सेल्फ सफिशियंट है, वीट में सेल्फ सफिशियंट है, शुगर में भी सेल्फ सफिशियंट है, लेकिन जैसा कि आपको पता है ऑयल सीड पर हम लोग काम करते हैं, सब्सिडी भी देते हैं, तो अभी हम लोग ऑयल पाम ऑयल पे सेल्फ सफिशियंट नहीं हुए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्कीम चलाया है जी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।